ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची। नमस्कार दोस्तों, इज बाटी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, दुर्गा माँ का आप भी न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल में VN ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना हो या से आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा तो सिंपली उधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से फोटो वाला ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ से आपको ऑल वाला ऑप्शन पर सेट करके यहाँ से अपने फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने फ़ोटो रहेंगी वो आपको कम से कम आपको अपने फ़ोटो यहाँ से मैं अपने जो कि 12 फोटो है वो ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से यहाँ से मैं 12 फोटो ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से तीर वाला नीचे तीर वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली उधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी फ़ोटो रहेगा वो उधर ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओरिजिनल लिखा वहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना जो आपने जो ऐड किया है उसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने फ़ोटो रहेंगी वो कुछ इसी तरह से यहाँ पर 12 फोटो है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से एक्स्ट्रा भाग रहेगा डिलीट कर देंगे इसे। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने जो आपके सॉन्ग है वो आपको ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से यहाँ से मैं अपना सॉन्ग भी ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से पहले सॉन्ग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं अपना सॉन्ग रहेगा वो ऐड कर लूँगा। तो उसी तरह से यहाँ से मैं अपना सॉन्ग ले लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से अपना सॉन्ग ऐड कर लूँगा। तो उसी तरह से आपको इधर से सॉन्ग है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से यस पर क्लिक कर देना है जो कि आपको सॉन्ग है वो 35 सेकंड तक ही ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अपना एक ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट रहेगा वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से यहाँ से मैं ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट को ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं इस टेम्पलेट को ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों इसे हम फुल कर देंगे। फुल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से आगे की तरह लाना है और यहाँ से आपको क्रोमा की का ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा तो सिंपली उसे नीचे की तरह अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका जो वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से आ जाएगा। तो इधर से अपना ये वाला आपको डुप्लीकेट लेयर कर देना है और उसी तरह से इसे आगे की तरह सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको कैची वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली उधर क्लिक करना है और पीछे वाले भाग को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों ये आपका जो स्टेटस रहेगा वो कुछ इसी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, इसको आपको कुछ इसी तरह से फुल जो आपका फुल लेयर है उसके हिसाब से करके यहाँ से आपको यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने जो भी टेम्पलेट स्टार्ट रहेगा वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा। और इधर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये ब्लर वाला इफेक्ट है ये कर देना है और यहाँ से आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको वापस यस पे क्लिक कर देना है। उसी तरह से आपको यहाँ से कम आपको यहाँ से 2.5 सेकंड तक आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं 2.5 सेकंड तक कर देता हूँ। तो उसी तरह से आपको यहाँ तक कर देना है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से भी हमारा जो इफेक्ट रहेगा वो आपको इधर भी आपको अपना इफेक्ट है वो पास यहाँ से आपको फिर 2.5 और बढ़ाना है जो कि 2.5 सेकंड आपका इफेक्ट रहेगा वो आपको बढ़ाना है। और इधर से हम इफेक्ट्स पे जाएंगे और उसी तरह से हमने पहले मैं कुछ ब्लर वाला इफेक्ट किया था तो उसी तरह से हम यहाँ पर अपना इफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा वो हम चेंज कर देंगे। तो पहले मैं ब्लर डालेंगे, बाकी मैं प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आपको कुछ इसी तरह से यहाँ से ये रोटेट वाला आपको देखने को मिलेगा। तो रूटेड ये ऑप्शन है तो ये ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जैसे फुल कर देना है और यस पर क्लिक कर देना है। उसी तरह से ये आपका जो 2.5 सेकंड है तो ये आपका कम से कम कितना होगा 7.5 सेकंड तक आपको ये इफेक्ट है वो ये कर देना है। तो उसी तरह से यहाँ से मैं अपने इफेक्ट को 7.5 कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे हम 7.5 कर देते हैं। उसी तरह से 7.5 करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है,
आपको यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको उसी तरह से रोटेट वाला इफेक्ट है ये ले लेना है और फुल कर देना है इसे और यस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से जो आपका 2.5 सेकंड रहेगा यहाँ पर आपको 10 सेकंड पर रहेगा, तो ये उसी तरह से आपको अपना इफेक्ट है वो पूरा ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से यहाँ से हमारा जो इफेक्ट रहेगा वो इधर आपको रोटेट वाला ये सब में कर देना है और उसी तरह से फुल करने के बाद यस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से 12:30 तो यहाँ तक आपको कर देना है, करने के बाद में बहुत ही क्लासिक लगेगा और उसी तरह से इसे आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद यस पर क्लिक कर देना है उसी तरह से यहाँ से हमारा 30। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ तक हमारा 30वां इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ तक ही आपको ऐड कर लेना है जो कि एक्स्ट्रा पा के रहेगा, उसे आपको कुछ नहीं करना कुछ। और इसी तरह से आपको इधर एक्स्ट्रा में अपना जो भी रहेगा वो कुछ भी इधर एक्स्ट्रा में नहीं करना और इधर से आपको नहीं तो प्लस वाला इफेक्ट देना और नहीं कुछ इफेक्ट देना है। तो उसी तरह से आपको पूरा वीडियो एंड करके रख देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उधर क्लिक करना हो या से यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो हमारा ये पोस्ट डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों इसमें आप अपना जो कि दूसरा इफेक्ट है वो ग्रीन वाला कैसे ऐड कर सकते हो। तो उसी तरह से ये पहले हमारा इफेक्ट पूरा हो जाने के बाद इधर से आपका जो ग्रीन स्क्रीन रहेगा वो बहुत ही क्लासिक दिखेगा और उसी तरह से आपको जो 2.5 सेकंड छोड़ के रहेगा तो उसी तरह से आपको ऐड कर लेना। इधर सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसी तरह से आपके सामने ऐड आ जाएगा, तो ऐड को क्लोज कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको वापस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना और वापस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना और उसी तरह से आपको फोटो वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट करके उसी तरह से आपको यहाँ से 16 पोस्ट है वो ऐड कर लेने। तो उसी तरह से मैं यहाँ से 12 पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। 12 पोस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैंने 12 पोस्ट ऐड कर लिए। तो दोस्तों उसी तरह से मैं यहाँ पर 12 पोस्ट ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओरिजिनल लिखा वहाँ पर क्लिक करना है और 9x16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमने पहले जो स्क्रीन ऐड किया था उसे आपको वापस इधर शो कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इसी तरह से प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा और कुछ ही देर में हमारा वीडियो रहेगा उधर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह से ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इसमें आप अपना इफेक्ट है वो किस तरह से ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमारा जो इफेक्ट रहेगा वो कुछ उसी तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों हमारा जो स्टेटस रहेगा वो बहुत ही क्लासिक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमारा जो इफेक्ट है वो कुछ इसी तरह से यहाँ से ऐड हो चुका है। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इसी तरह से यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वाला है ना, वो यहाँ से क्रोमा की वाला ऑप्शन ऊपर की तरह है तो उधर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से यस पर क्लिक कर देना है जो कि हमारा इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से आपको इधर बहुत ही क्लासिक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, इधर भी आपको उसी तरह से आपको सभी में जो इधर में हमने से पहले वाले इफेक्ट में अलग तरह के पहले हम इसने यहाँ पर कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से डाई वाले ऑप्शन पे आ जाएगा और यहाँ से हमारा पहला इफेक्ट रहेगा वो यहाँ पर, तो यहाँ से पहला इफेक्ट हमारा रहेगा प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना और यहाँ पर पहला वाला इफेक्ट रहेगा वो ब्लर वाला रहेगा, इसे फुल कर देना है और यस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे डाई वाला ऑप्शन पर ले लेते हैं और उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा इफेक्ट है जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है उन्हें आपको सही से सेट कर लेना है। तो उसी तरह से यहाँ पर डाई वाले ऑप्शन पर ले लिया और उसी तरह से यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा इन्हें आपको जो कि डाई पर लिया तो इधर आपको इसे 5 पर कर देना है इसी तरह से। तो दोस्तों इधर से आपको कोई इफेक्ट नहीं लेना है, इधर आपको नॉर्मली रहने देना है और यहाँ से यस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसी तरह से इस इफेक्ट को भी हम कैंसिल कर देते हैं, जो कि हमारा इधर इफेक्ट रहेगा तो ऊपर वाला इफेक्ट रहेगा वो नहीं दिखेगा। उसी तरह से यहाँ पर इधर आपको इसको सेकंड वाइज कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो इधर हमने पहला इफेक्ट किया था वो आपको 2.5 सेकंड पर रख देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं पहले इफेक्ट पे ऊपर क्लिक करके आपको कुछ इसी तरह से 2.5 सेकंड पर रख देते हैं और इसे आपको कुछ इसी तरह से 5 सेकंड पर रख देना है। तो
तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में एंड तक कर लेना है क्लासिक। और इधर से आप अपने फ़ोटो को थोड़ा ऊपर की तरह सेट करना चाहो तो कुछ इसी तरह से ऐसे सभी फ़ोटो को आपको ऊपर की तरह सेट कर लेना है, जो कि ऐसे हमारा कौन सा भी पोस्ट सही ना दिखे तो उसे आपको थोड़ा ऊपर की तरह सेट कर लेना है। तो इसको देख सकते हो उसी तरह से यहाँ पर आपको सभी फ़ोटो को कुछ इसी तरह से ऊपर की तरह सेट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐसे हमारा जो पोस्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐसे ऊपर की तरह सेट कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी फ़ोटो आपको कुछ इसी तरह से ऐसे ऊपर की तरह सेट कर लेना है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर सभी फ़ोटो को ऊपर की तरह सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम अपने सभी पोस्ट रहेंगे वो ऊपर की तरह सेट कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से यहाँ से हमारा जो स्टेटस रहेगा वो कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। उतना होने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना पोस्ट रहे देख सकते हो बहुत ही क्लासिक और बहुत ही यूनिक देखने को मिल जाएंगे, जो कि इधर से अपने पोस्ट को कुछ इसी तरह से आगे की तरह ऊपर की तरह सेट कर लेना है। और यहाँ से हमारा जो स्टेटस रहेगा वो ओके बन के रेडी हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको एक कलरफुल टेम्पलेट यूज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं कलरफुल एक टेम्पलेट यूज कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ से मैं वीडियो में एक तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैंने एक कलरफुल स्किन को डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इसी तरह से आगे की तरह से सेट कर लेना है। तो उसी तरह से आगे की तरह सेट करने के बाद दोस्तों इसे हम फुल कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे हम फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद दोस्तों ये इतना फुल ना हो तो इसको आपको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों इधर से नीचे से आपको इसे कुछ इसी तरह से फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमारा जो टेम्पलेट रहेगा वो फुल हो जाएगा। और इसे आपको फुल कर देना है, जो कि स्किन को फुल कर देना है। और उसी तरह से इस वाले के वो स्किन को आपको फुल कर देना है। तो उसी तरह से फुल करने के बाद दोस्तों एक्स्ट्रा वाला भाग रहेगा उसे आपको ऊपर की तरह कर देना है। और उसी तरह से दोनों को कर देना है। करने के बाद दोस्तों इधर से क्या करना है, आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका जो वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। और उसे आपको थोड़ा और जूम कर लें, क्योंकि उसी तरह से आपका अपना इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही क्लासिक लगेगा। और उसी तरह से इसे भी आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे जाकर स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही यूनिक बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही क्लासिक बन के रेडी हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना, जो कि वीडियो रहेगा इसलिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।